हल्का समालखा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनमोहन भड़ाना के चुनाव प्रचार की बागडोर में अब उनकी धर्मपत्नी परमजीत भड़ाना भी कंधे से कंधा मिलाकर जोर शोर से शामिल हो गई है। परमजीत भड़ाना ने मंगलवार को हल्के में विभिन्न कार्यक्रमों पंजाबी मोहल्ला समालखा जगदीश रमन पार्क कारकोली शिव मंदिर सीताराम कॉलोनी पथवारा रोड वार्ड नंबर 5 समालखा आदि में सम्मिलित होकर मनमोहन भड़ाना के लिए वोट की अपील की। चुनाव प्रचार के दौरान वार्ड 6 में भाजपा वरिष्ठ नेत्री सुमित्रा झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में परमजीत भड़ाना ने कहा कि 8 अक्टूबर को हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता की कुंजी महिला वोटरों के पास है। पिछले एक दशक में महिला वोटरों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसका असर विधानसभा चुनावों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ऐसे में अब हल्के में रहकर अपनी माताओं बहनों के उत्थान के लिए कार्य करेंगी, क्योंकि भाजपा सरकार ने महिला सशक्तिकरण का संकल्प पूरा किया। भाजपा सरकार ने अपने 10 साल के सुशासन में महिलाओं के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मातृशक्ति के हकों व सम्मान के लिए हरियाणा में तीसरी बार और हल्के में पहली बार महिलाओं को एकजुट होकर कमल खिलाना है। बीते 10 सालों में प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं को चलाया है, इसलिए महिलाओं के मान सम्मान व आत्मरक्षा के लिए भाजपा जरूरी है। क्या विषय था, क्या प्रोग्राम था जो आज यहाँ पहुँचे हो, क्या कुछ विषय है? आज मैं महिलाओं से मिली हूँ और मेरा मेन फोकस है लोग जनता को यहाँ पर बताने का कि हमारा क्या यहाँ पर भविष्य रहेगा अगर वो हमें चुनते हैं। और महिलाओं के लिए मैं काम करना चाहती हूँ, छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, सड़कों की सुविधाएं नहीं है उसके बारे में मैंने सुना है। आज पहली बार मैं आई हूँ, लेकिन जितना भी काम मेरे से हो पाएगा मनमोहन भड़ाना जी द्वारा हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूंगी। लोगों की पेंशन नहीं बनी है, महिलाएं जो थोड़ी परेशान हैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। नारी शक्ति के लिए आपकी तरफ से क्या विशेष रहेगा? विशेष यही है कि मैं खुद एक नारी होकर मैं चाहती हूँ कि उनके पास वो सब वो सुविधा हो जो वो चाहती हैं। जी, आज का जो कैंपेन था जहाँ आपने भागदौड़ संभाली है कैंपेन के लिए भड़ाना जी के लिए, इसमें आपकी क्या अपील रहेगी आम जनता के लिए, आम जन के लिए, हल्के के लिए? सबका उद्धार करने आए हैं, जिसकी जो जो परेशानियां हैं, सब इंसान अलग हैं, सब महिलाएं अलग हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानी है, जिसकी जिस भी तरीके की परेशानी होगी उसका सबका समाधान निकाला जाएगा, चाहे वो आधार कार्ड से रिलेटेड है, चाहे वो सड़क से रिलेटेड है, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड है, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड है, वो सबकी परेशानियां हमारी परेशानियां हैं और हमें उनके ऊपर काम करना है। कमल नहीं खिला, कमल क्या मतलब हार हो रही है, जब मोदी जी की लहर थी उस समय भी यहाँ कमल नहीं खिल पाया, आपको क्यों लगता है हमारे यहाँ? देखिए इंसान, मैं खुद बोलती हूँ कि इस बार जनता जनार्दन चाहती है कमल खिले। जो यहाँ पे प्यार हमें मिल रहा है मनमोहन भड़ाना जी को मिल रहा है, लोगों ने उन्हें गोद ले लिया है, तो इससे बड़ा उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता। और कमल खिलना ही है ये पक्का है, और यहाँ पर आई महिलाएं इस चीज का वो है, और हम अपना काम करेंगे ये हमारे को आश्वास देते हैं। आप यही रहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए मेरे पिताजी ने जो काम किए हैं शायद 10 साल वो रहे हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से 15 साल बाद वो यहाँ आए हैं, 28 साल बाद, तब भी जनता उनको जानती है, ठीक है ना, तो उन्होंने कुछ तो काम किए होंगे तो जनता उनको जानती है। मैडम काम जी है, काम से तो नहीं कोई मुद्दे नहीं, अब लेकिन सिर्फ यही संख्या है भाई, कभी फिर ना छोड़ने वाले। अब हमारे को यही आश्वासन मैं सबको देना चाहती हूँ कि यहाँ हमारी कोठी है, मैं आप परमजीत भड़ाना यहाँ खुद आपको मिलूंगी, मनमोहन भड़ाना, इस चीज का आश्वासन देती हूँ कि आप लोगों का सिर नहीं झुकने दूंगी, जिन जिन लोगों ने यहाँ वोट डाला है सबका सर उठा के रहूंगी, और इस बात को गलत साबित करवाऊंगी कि लोग कहते हैं कि आते और चले जाते हैं, अब हम आएंगे और यहीं जम जाएंगे, ये वाला का नारा मैं देना चाहती हूँ कि आएंगे और यहीं रहेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे, जमीनी तौर पे काम करेंगे और सबके उद्धार के लिए काम करेंगे। मतदाताओं के लिए क्या अपील? मतदाताओं को यही कहना चाहूंगी कि प्लीज इस बार एक एक वोट बहुत जरूरी है, कमल के फूल पे अपना बटन दबाइएगा, एक बार हमें चांस जरूर दीजिएगा, और मैं ये आश्वासन देती हूँ कि जो मैं कह के जा रही हूँ वो मैं पूरा करके दिखाऊंगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए आपका क्या संदेश है? सब बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, आज मेरा पहला दिन है तो मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ, रेणु जी का आभार प्रकट करती हूँ, शीतल जी का आभार प्रकट करती हूँ, राखी जी का, जितने भी मेरी कार्यकर्ता है सुमित्रा जी, ये इन्होंने बहुत मेहनत करी है, सारी महिलाओं को इकट्ठा किया है,
आज पहला दिन है, नाम मुझे ध्यान नहीं है, मैं माफी चाहूंगी कोई बंदा छूट जाए मुझे, लेकिन किरण जी का देखो आज पहला दिन है। देखो मेरे को मिलने को कहते कड़ी से कड़ी जुड़ने में समय लगता है, तो आज मैं कड़ी का पहला कर जोड़ने आई हूँ और पीछे कड़ी जुड़ती जाएगी और सबके नाम भी लर्न हो जाएंगे। हम सब बहने हैं, साथ काम करने आए हैं और काम करेंगे। और मनमोहन बढ़ाना, मनमोहन बढ़ाना, भारतीय जनता पार्टी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।